वेलकम स्टूडेंट, यह हमारी क्लास नंबर 3 है और हम आगे चलते हैं। तो देखें कि ये मैंने एक्सेल की फ़ाइल ओपन की हुई है, आप भी एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर लें और उसके बाद जो एक्सरसाइज फाइल मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए जो लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप फाइल में जाएँ, ये मैंने फ़ाइल का टैब क्लिक किया है, फाइल के टैब में जाएँ और उसके बाद ओपन पर क्लिक करें। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने जो फाइल डाउनलोड की है तो आप सिंपली उसे ब्राउज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर जहां पर डाउनलोड हुई होगी, जैसे कि मेरे जितने भी डाउनलोड्स फाइल होती हैं वो डाउनलोड्स की लिंक में, यानी कि ये जो एक एरिया है मेरे पास विंडोज़ का, इसके अंदर चली जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखें, मैंने ऑलरेडी फाइल ओपन की हुई थी तो यहाँ पर ये देखें, ये फाइल मेरी ऑलरेडी जो फाइल आप एक मरतबा ओपन कर लेते हैं तो उसकी लिस्टिंग यहाँ पर आ जाती है। तो मैं अब इसे बार बार ब्राउज करके ओपन नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली ओपन कर लूँगा। इस फाइल का नाम है गेटिंग स्टार्टेड। इसके जो स्टार्टअप नाम है वो तो 01-getting-started है। आप इसी फाइल को, आप जो दिए गए नीचे लिंक है उसको इसे ओपन कीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, आप देखें, ये हमने सीख लिया था, इसे रिबिन बार कहते हैं। ये आपका सेक्शन होता है और हर रिबिन के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इसी तरीके से ये जो सेक्शन बार है, इसके नीचे ये जो लाइन है, इसको कहते हैं फार्मूला बार। ठीक है, ये फार्मूला बार है और ये फार्मूला बार जो है इंडिकेट करती है कि अभी आप जिस सेल पर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ऊपर से नीचे जितने भी सेल्स जाते हैं इनको कॉलम कहते हैं और लेफ्ट टू राइट जो भी सेल्स जाते हैं उनको रो कहते हैं। लेकिन एक एक जो सेल है, यानी कि ये जो बॉक्स हैं, इसे हम सेल कहते हैं। तो जो सेल के अंदर लिखा होगा वो फार्मूला बार पर आ रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं जेन पे क्लिक करता हूँ तो देखें, फार्मूला बार पे जेन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो ABCD अगर लिखी हुई है तो वो टेक्स्ट कहलाता है, और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो वैल्यू कहलाती है। देखें, ये 120 पे मैंने क्लिक किया है तो ये 120 आया है, तो ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, वैल्यू और टेक्स्ट की निशानी क्या है स्टूडेंट, ये गौर से सुन लें। जो भी चीज़ राइट हैंड साइड लिखने के बाद, जो भी नंबर लिखने के बाद राइट हैंड साइड पे चले जाए तो समझ ले वो वैल्यू है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाए उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये बिल्कुल ब्लैंक है। इस ब्लैंक के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ जवाब, इंटर किया तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही रह गया है। इसको थोड़ा सा भले बड़ा कर लेते हैं हम सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया। लेकिन अगर मैं जवाब के नीचे कोई वैल्यू लिखता हूँ, कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे कि 100, इंटर करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली चली जाती है। लेकिन अगर आपने वैल्यू के साथ कोई अल्फाबेट जोड़ दिया तो वो जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा, यानी कि वो भी टेक्स्ट बन जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीसरे सेल के अंदर 10, और यहाँ पर मैं 101 करना चाह रहा था लेकिन वो गलती से मेरे से आई दब गया, फॉर एग्जांपल, या कैपिटल आई हो गया, इंटर करते हैं तो नोट करें स्टूडेंट, देखें कि यह भी 10 तो लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये राइट हैंड साइड पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसके अंदर आपने ABCD भी शामिल कर ली, तो 10 के आगे क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। तो ये जो भी लिखा हुआ हो आपने, लेकिन अगर इसके अंदर एक भी अल्फाबेट आ गया तो ये उस पूरे के पूरे जो लिखी हुई चीज है उसको वो टेक्स्ट कंसिडर करेगा, वो उसे वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा। तो ये टेक्स्ट होता है, ये वैल्यू होती है। उसके बाद तीसरी और फाइनल चीज है वो कहलाती है आपकी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, ये टेक्स्ट है, ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। देखें, फार्मूला की निशानी क्या है? फार्मूला की निशानी यह है कि वो शुरू होता है इज इक्वल टू से, उसके बाद वो से जो भी सेल नंबर होता है उसकी कैलकुलेशन आगे हो रही होती है। सिंपल है, तो टेक्स्ट, वैल्यू और फार्मूला। ठीक है, तो ये जो भी चीज आपकी सेल के अंदर लिखी हुई होगी वो आपका फार्मूला बार यहां पर आपको इंडिकेट करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, और मजीद आगे हम चलते हैं। स्टूडेंट, अब आप देखें नीचे ये जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करें, जो है होम प्रोडक्ट रेवेन्यू का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास ये शीट है जिसके अंदर कुछ काम हुआ हुआ है। तो अब फार्मूला बार के बाद हम आते हैं नीचे, इस पे नोट करें जहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ है, इसे ये पूरी जो रो है, ये जो पूरा एरिया है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। ठीक हो गया, ये स्टेटस बार है, इसके अंदर जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो है नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैप्स लॉक की दबा देता हूँ
यहाँ पर जो है आपका कैप्स लॉक लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और अगर हम नंबर की दबा देते हैं तो यहाँ पर नंबर की लिखी हुई आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नज़र ना आए और जब आप कैप्स लॉक ऑन है, यहाँ पे कैप्स लॉक लिखा हुआ नहीं आ रहा, या आपकी नंबर की ऑन है या नहीं वो लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो आप सिंपली राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें से एक है कैप्स लॉक और नम लॉक, ठीक है, ताकि इसे हम ऑन या ऑफ करके देख सकें। तो ये मैंने इन दोनों पर चेक पे लगा दिया, तो देखें ये अब इंडिकेट कर रहा है कि आपका नंबर लॉक की जो है दबी हुई है। अब आप जो है नंबर लॉक की जो कीज़ है उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कैप्स लॉक का जो बटन है उसे दबा देता हूँ, तो देखें नीचे कैप्स लॉक लिखा हुआ आ गया है, और अब मैं ABCD लिखूंगा तो वो कैपिटल लिखी हुई आएगी। इसके अलावा स्टूडेंट देखें, मिसाल के तौर पर ये जो रेवेन्यू का सेक्शन है, इसे मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो देखें ऑटोमेटिकली ये जितना भी रेवेन्यू है मेरा, ये जो कॉलम है इसका टोटल सम कितना बन रहा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एंट्रीज कितनी है, 301 एंट्रीज की जो है टोटल इतना सम आ रहा है। एवरेज कितना बन रहा है, ये इतना आ रहा है। अगर आपने मजीद कोई ऑप्शन लेकर आना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और न्यूमेरिकल काउंट भी इसको चेक कर देते हैं। तो देखें विदाउट फार्मूला ये इतने सारे आपको कैलकुलेशन नीचे स्टेटस बार में नजर आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट मिसाल के तौर पे देखें, ये एक और शीट है हमारी प्रॉफिट्स के नाम की, उस पे चलते हैं। और उस पे चलने के बाद फॉर एग्जांपल हमारी सेल जनवरी से लेके मार्च तक कितनी है, तो देखें नीचे लिखा हुआ रहा है $560। इसके अलावा मैक्सिमम सेल कौन से महीने की रही है हमारी, वो यानी कि कितनी रही है, 260। तो आप अगर नोट करें जितनी मैंने एरिया सिलेक्शन किया उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 260 ही थी। कम से कम सेल कितनी रही है, 120। और कितने नंबर हैं, 3 हैं। और एवरेज कितनी, यानी कि मेरी जितनी भी सेल है 3 महीने की, उसका एवरेज सेल कितनी रही है, तो 186.7 मेरी एवरेज सेल रही है। तो ये स्टेटस बार है, आप बहुत सारी फंक्शनलिटीज जो है इस पे राइट क्लिक करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये पेज लेआउट्स हैं, पेज लेआउट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल इतना करके देख लें कि इन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप पेज लेआउट पे आ जाएंगे। ये नॉर्मल वाला टेप था, ठीक है, ये देखें थोड़ा सा ये जूम इन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ये है एक ये वाला लेआउट है, ये प्रिंट लेआउट कहलाता है, और जिसमें ये आपको बता रहा होता है कि आपका जो पेज है उसकी हदूद कितनी है, यानी कि अगर ये प्रिंट निकलेगा तो प्रिंट ये यहाँ तक निकलेगा, यानी कि फर्स्ट पेज पे जो प्रिंट निकलेगा वो यहाँ तक निकलेगा, वगैरह वगैरह। हम ये प्रिंटिंग वगैरह की सेटिंग, प्रिंटिंग वगैरह भी हम बाद में देखेंगे। और अगर आप नोट करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे page 1 लिखा हुआ भी आ रहा है ग्रे कलर का, और ये page 2 में हल्का सा ये page 2 लिखा हुआ आ रहा है। मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। उसके बाद स्टेटस बार की फाइनली फाइनल ऑप्शन है, वो है जूम इन जूम आउट। आप प्लस की निशाने पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, और माइनस की निशाने पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, ठीक हो गया। और आप चाहें तो स्लाइड को डायरेक्टली पकड़ के यहाँ से स्लाइड्स पकड़ें और आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इस क्लास को फाइनल करते हैं आखिरी टॉपिक से, और वो टॉपिक हमारा ये होगा कि देखें ये जो मेरा कर्सर है वो हर दफ़ा चेंज होता है मुख्तलिफ जगहों पर। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सेल पर मौजूद है तो ये डार्क वाइट कलर का प्लस आ जाता है। इसके अलावा अगर आप ये रो पे जाते हैं तो ये एक सिम पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए इशारा करता है कि मैं इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँ। इसके अलावा अगर आप दो रो के दरमियान आते हैं तो ये कोई रीसाइज का जो है एरो बन जाता है, जिसमें ये बताता है, इंडिकेट करता है कि क्या आप इस रो की जो है साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्लिक करके कर सकते हैं, तो देखें वो बढ़ जाएगी। और अगर इस तरह का कोई सिंबल आ गया, यानी कि सॉरी एरो आ गया, तो आप समझे कि ये आप पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई। इसी तरीके से ये डाउन एरो है तो ये डाउन कर्सर बन जाता है, मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये एक सेल है, और अगर इस सेल के बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे अगर आप आते हैं तो ये थिन जो है ना वो ब्लैक प्लस सिंबल जो है कर्सर बन जाएगा, जिसकी मदद से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर सकेंगे।
तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको आगे चल के जो है बड़ा फायदेमंद होगी, और आप देखेंगे भी कि कितने बेनिफिशियरी है ये। इसके अलावा अगर मैं अपने माउस को ऊपर लेकर चले जाता हूँ तो देखें ये बिल्कुल नॉर्मल कर्सर बन गया। इसके अलावा अगर मैं इसे फॉर्मूला बार में लेकर आता हूँ तो देखें ये आई का जैसे सिंबल का बन गया। तो ये जहाँ जहाँ आप कर्सर को लेकर जाते हैं ये अपनी शेप बदलता है, ताकि आपको पता लगे कि अगर इस तरह का माउस जो है कर्सर चेंज होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये नॉर्मल पॉइंटर है, ये आई बन जाता है तो समझने कि अब आप लिख सकते हैं। डाउन एरो तो मतलब ये कॉलम सेलेक्ट होगा, और राइट की तरफ एरो आ रहा है तो आप समझ लें कि रो सेलेक्ट होगी। ये रिसाइज का आइकन है, इसके अलावा ये सेल सेलेक्ट आइकन है, और इसके अलावा ये थिन जो प्लस है इसका मतलब यह है कि ये कॉपी करने वाला आइकन है। अब ये कॉपी करने वाला आइकन किस तरीके से कॉपी करेगा ये हम अगली क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल क्लास नंबर 3 को अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।